इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में आज दूसरा T20I मुकाबला खेला जाना है। इस मैच में सभी को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले एक खिलाड़ी का नाम लिया जाता है जो यहाँ तूफान मचाने में माहिर है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के यंग टैलेंट अभिषेक शर्मा की। आज उनके बल्ले से एक धुआंधार पारी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आज के मैच में हो सकता है कि चौके छक्कों की बरसात देखने को मिले। बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर में पहला मैच आसानी से जीतकर टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे है। अब बारी है भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे T20 मुकाबले की। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इसके हाई स्कोरिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का मौका मिला तो रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। इसके पीछे भी दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो कि इस वेन्यू पर युवराज सिंह के कदमों पर चल रहे अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोलता है। टीम इंडिया की ओर से जमकर रन बरसाने का अनुमान भी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि IPL 2024 में यहां पहली पारी में ताबड़तोड़ रन बरसे थे। भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे तीन मैचों की T20 सीरीज में अब दो मुकाबले ही बचे हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि दिल्ली में भी मैच जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर लिया जाए। इसमें अभिषेक शर्मा टीम की मदद कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली के पिच पर वो ताबड़तोड़ रन बनाते हैं। अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभी तक 5 T20I मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 59 की औसत से और 217 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसलिए दूसरे मुकाबले में उनसे एक बड़ी और तूफानी पारी की उम्मीद जताई जा रही है। इस वेन्यू पर IPL 2024 में भी जमकर रन बरसे थे। गेंदबाजों के लिए दिल्ली की पिच काल बनकर आई थी। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है। IPL 2024 में इस वेन्यू पर कुल 5 मुकाबले खेले गए थे। इन सभी 5 मुकाबलों की पहली पारी में 200 से ज्यादा रन बने थे, यानी कि टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो भारतीय टीम यहां रनों का अंबार लगा सकती है। खासतौर पर भारतीय बल्लेबाज जिस तरह के फॉर्म में हैं उसे देखते हुए ये बिल्कुल भी मुमकिन हो सकता है। अभिषेक शर्मा ने पहले T20I मुकाबले में भी एक कारनामा किया था। अपने निडर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा ने साल 2024 में अब तक 51 छक्के जड़ दिए हैं। इसमें इंटरनेशनल और IPL में जड़े गए छक्के भी शामिल हैं। इसके साथ ही वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए इस साल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL मैचों को मिलाकर कुल 46 छक्के लगाए हैं। उनके बाद विराट कोहली का नंबर आता है जिन्होंने इस साल 45 छक्के जड़े हैं। अब सभी फैंस को उम्मीद है कि भारत पहले बल्लेबाजी करे और सभी को अभिषेक शर्मा का ताबड़तोड़ अंदाज देखने को मिले।